दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रो जिप के फ्यूल टैंक यूनिट के बारे में, फ्यूल टैंक की मोटर के बारे में। आपको टैंक को कार से बिगर अलग किए आप उसका फ्यूल टैंक का यूनिट बाहर कैसे निकालें, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको वो टैंक दिखाते हैं जहाँ ये मोटर लगी है और उसके बाद टैंक यूनिट की। सबसे पहले देखिए, इसका टैंक कार के नीचे की तरफ लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, यहाँ फिट होता है। इसको हमें खोलना नहीं है, हमें सिर्फ इसका जो रियर डोर है लेफ़्ट का, ये दरवाज़ा खोलना है, ये सीट डाउन करनी है। सीट डाउन करेंगे तो इसके नीचे जो मैटिंग है उसको हटाने के बाद हमें वो फ्लैप दिख जाएगा। ये देखिए ब्लैक कलर का जो फ्लैप है, ये हटाएंगे तो हमें नीचे टैंक यूनिट का वो पूरा सिस्टम दिख जाएगा। यहाँ मैन पाइप को हटा रहे हैं सबसे पहले, ताकि मैन पाइप हटाने के बाद हमारा फ्यूल लाइन अलग हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस मैन लाइन में हम एक एक्स्ट्रा पाइप लगाकर और फिर इग्निशन ऑन करके इसके प्रेशर को चेक कर लेंगे। इसका अगर प्रेशर लो है या नहीं आ रहा है तो फिर हम टैंक के इस यूनिट को बाहर की तरफ निकालेंगे। टैंक यूनिट को हटाने के लिए फिर ये दोनों पाइप्स भी हटाने हैं और इसका जो करंट सप्लाई वाला वायर जो लिंक है, जो कपलर है, उसको भी हटाएंगे। कपलर हटाने के बाद हम कपलर की जो पिन्स हैं उनको ज़रूर एक बार चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ये पिन यहाँ से हीट खा जाती हैं, इसकी वजह से इनको करंट प्रॉपर नहीं मिलता, और करंट प्रॉपर नहीं मिलता तो ये मोटर काम नहीं करती है। तो ये ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ से कई बार करंट सप्लाई नहीं होता है तो मोटर काम नहीं करती है। तो जब मोटर काम नहीं करती है तो हम इस करंट सप्लाई को नहीं चेक कर पाते, और हमारी सही मोटर जो होती है फ्यूल पंप की, हम उसको भी निकाल देते हैं। और जब नई मोटर लगाते हैं तो वो भी काम नहीं करती, तब हम इस फॉल्ट पे जाते हैं। तो ये हमेशा चेक करने के बाद ही हम फ्यूल टैंक के यूनिट को खोलें, मोटर को चेंज करने से पहले एक बार यहाँ ज़रूर चेक कर लें।